अल्ट्रा वेजिटो की पिछली वीडियो में गोकू वेजिटो को बचाने के लिए आ जाता है, वहीं फ्रीजा गोकू को मारने की कोशिश करता है, मगर गोकू उस पर अपना सुपर मूव यूज करता है। ये मंगा कॉलमी अजय ने बनाई है, पूरी मंगा देखने के लिए चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गो। तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब वो ड्रैगन उसको इरेज करने ही वाला होता है, पर उसके बीच में कुछ आ जाता है जिसको देखकर गोकू बोलता है, अब क्या मैं सही से नहीं किया? ट्रेनिंग करते वक्त तो ये हमेशा काम करता था। ये नहीं हो सकता। और वहां पर वेजिटो खड़ा होता है जिसने गोकू के अटैक को रोक दिया और बोलता है, बहुत अच्छे पर जी से अभी बेहतर नहीं है वेजिटो। वहीं फ्रीजा इसको देखकर बस डर में खड़ा होता है, लेकिन वेजिटो बोलता है, जरूर पर मुझे लगता है इतना काफी होगा ना। क्या करोट, तुम्हारा ये मूव बहुत खतरनाक था, पर तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया? ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है, जबकि ये तुम्हारा बड़ी फ्रीजा है। मुझे बताओ, क्या तुम सच में उसको मारने वाले थे? जबकि मेरा प्लान कुछ और है। पर ये देखकर गोकू बस बोलता है, मैं तो तुम्हारा हिस्सा हूं, इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं पूरे कंट्रोल में हूं। मुझे पता है फ्रीजा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे प्लान के लिए। मैं अपने अटैक को रोकने ही वाला था जब तक तुम बीच में नहीं आ गए। अचानक से वेजिटो वहां से गायब होकर गोकू के सामने आ जाता है। क्या, क्यों तुम? वही फ्रीजा गुस्से में बोलता है, उसने मुझे बचा लिया, उन दोनों ने। वो दूसरा मंकी भी मुझे छोड़ने वाला था, वो भी मुझे बस ट्रेन करने के लिए, पर तब भी मैं जो भी करूं मैं इस सैन को नहीं हरा पा रहा, तो मैं वेजिटो को कैसे हराऊंगा? क्यों वो मुझे जिंदा रख रहे हैं? ये सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि फ्रॉस्ट डीमन वो तुम्हें बस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तुम्हें शक्तिशाली बना रहे हैं ताकि वो खुद उसे ले सकें। और अचानक से फ्रीजा को अपने पीछे से आवाज आती है, वहीं गोकू और वेजिटो खड़े होते हैं, और वेजिटो बोलता है, क्या करोट, बहुत अच्छे, मैं सोच ही रहा था कि तुम कितने शक्तिशाली हो, तो मुझे हरा कर देख लो। जिसके बाद गोकू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक से वेजिटो के पीछे वेजिटा आ जाता है और बोलता है, इधर रुक जाओ क्लाउन। तुम्हें पता है मैं इधर खड़े होकर तुम्हें ट्रेन होते हुए नहीं देख सकता, तो मुझे भी एक ट्रेनिंग पार्टनर चाहिए ताकि मैं अपनी लिमिट सरपास कर सकूं। जिसके बाद वेजिटो कुछ सोचने लगता है, जब तक तुम्हारी लिमिट्स, हाँ कौन कर सकता है ऐसा? आहा, मुझे पता है कौन कर सकता है, अथू। हाँ, और अचानक से वेजिटो एक चीज थूकता है जो कि और कोई नहीं बल्कि क्या, ब्रॉली होता है। मेरे पीछे आ जाओ। और इसी तरह वेजिटा ब्रॉली को लेकर ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। वहीं गोकू अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है, अब जबकि हमारी लड़ाई शुरू होने वाली है, मुझे फ्रीजा के आर्मर को नहीं देखना। अचानक से वेजिटो का आर्मर उड़ जाता है, जिसको देखकर वेजिटो भी शॉक हो जाता है। और वेजिटो गोकू की तरफ चार्ज कर देता है और उसे अटैक कर देता है, जिसे गोकू आसानी से डॉच कर लेता है और वेजिटो को अटैक करता है। पर वेजिटो वहां नहीं होता। बहुत अच्छे किड, पर मैं तुम्हारी आंखों के लिए कुछ ज्यादा ही तेज हूं। और वेजिटो अचानक से गोकू के पीछे आकर उसे पकड़ लेता है, जब तक अचानक से वेजिटो को एक एनर्जी बीम लगती है। उप्स, लगता है थोड़ा सा आर्मर रह गया था, मेरी गलती। वहीं गोकू स्माइल करते हुए खड़ा होता है। उससे दर्द हुआ। और वेजिटो गुस्सा होता है और या उन आंखों के साथ साथ
तुम्हें घमंड भी आ चुका है। पर इस बार भी गोकू उसे डॉज कर लेता है। इन आंखों से मुझे सब दिखता है वजीटो। अचानक से गोकू अपना हाथ वजीटो के सामने रखता है। अरे नहीं, वही वजीटो कुछ नहीं कर पाता और अचानक से गोकू उसे किक कर देता है। क्या करोट? और वजीटो सोच रहा होता है ये ताकत उसने अकेले पाई। अचानक से वजीटो नीचे गिर जाता है और डर में बोलता है कैसे? मुझे पता था तुम ताकतवर हो गए होगे, लेकिन इतना नहीं, ये तो ब्रॉली और फीजा से भी ज्यादा है। क्या तुम्हारे पास उनसे भी ज्यादा पोटेंशियल है क्या करोट? पर गोकू बस बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर उनसे ज्यादा पोटेंशियल है, और मुझे नहीं लगता कि मेरा पोटेंशियल मुझे यहाँ लाया है, पर मेरे टीचर्स की वजह से। 2 साल हो गए हैं वजीटो, 2 साल जब तुमने मेरी आंखें खोल दी, जब तुमने मुझे वजीटो को हराने का रास्ता दिखाया, पर जब हम इस जगह पर पहले आए थे और तुमसे लड़े थे, मैं महसूस कर सकता था सबकी एनर्जी को, गॉड्स, एंजल और डीमन। वजीटा ने किसी तरह डीमन की पावर यूज़ कर ली और मुझे वीस की बातें याद करनी पड़ी ताकि मैं भी वीस की पावर यूज़ कर सकूं। आखिर में मुझे अपना ही एक टाइम स्पेस बनाना पड़ा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, जहां मैं, तुम, वजीटा, ब्लैक, यामोशी सब हैं, पर मेरी में सारे एंजल्स थे और मुझे ट्रेन करने के लिए थे। तुम्हारी डिवाइन एनर्जी उन सब का डुप्लीकेट बनाने के लिए काफ़ी थी, और उन सब से बात करके और ट्रेन करके एक दिन मैं आगे बढ़ गया और मुझे अपनी पहली सेरेफिम आई मिली, और तभी से मैं इतना स्ट्रांग हो गया। मैं और भी ताकतवर बन सकता हूँ, पर अभी के लिए मैं बस इतना ही हूँ। अच्छा, मैं सब समझ गया। और वजीटो खड़ा होकर बोलता है तुमने जो अचीव किया है वो बहुत खास है, पर क्या वो लूसिफ की ताकत को टक्कर दे सकता है? पर उसको जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। और वजीटो अपनी डीमन आइज रिवील करता है। इसी तरह वो एक डीमन की तरह चिल्लाता है और वो अपनी डीमन फॉर्म में आ जाता है और बोलता है यहाँ तुम चैलेंज नहीं ढूंढ रहे कैकरोट, मैं ढूंढ रहा हूँ वो हो। वहीं गोकू ये देखकर बोलता है बहुत वक्त हो गया है जब मैंने तुम्हें इस फॉर्म में देखा है, मुझे पता है कि तुमने ये उन 5 और जी से लड़ने के लिए इस्तेमाल की थी, पर सामने देखकर तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये तो वजीटा से भी दूसरे लेवल पर है। पर मुझे इसी की जरूरत थी, अगर तुम्हें ये पावर चाहिए तो तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा वजीटो। और दोनों एक दूसरे की तरफ चार्ज कर देते हैं। वजीटो गोगो किक कर देता है जब तक वो दोनों इक्वल होते हैं, जब तक टॉपो, अचानक से टॉपो वजीटो के पीछे आ जाता है। लगता है वो आंखें इन दोनों के लिए काफी नहीं है। और वजीटो अपना हाथ ऊपर करके बोलता है मर जाओ अपने घमंड के लिए गोकू। तभी गोकू डर जाता है और अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे गोकू की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बोलता है वो बहुत अच्छा था वजीटो, मुझे उससे पिकोलो की याद आ गई, पर मेरे पास भी एक ट्रिक है। अचानक से गोकू एक कामेहामेहा करते हुए वजीटो के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और वो वजीटो को पूरी तरह उड़ा देता है। लेकिन इस सब में भी वजीटो एक स्माइल के साथ बोलता है तुम तो कुछ ज्यादा ही पास आ गए हो, अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। और वजीटो गोकू की तरफ बढ़ने लगता है। क्या? जिससे गोकू भी शौक होता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है
जिसमें से बाहर आता है। पागल कहीं का गोकू, जिसकी हालत बहुत खराब होती है, और वो बोलता है, कम से कम मुझसे ज्यादा डैमेज उसे हुआ है। पर हम वेजिटो को देखते हैं और वो बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि उसमें इतनी ताकत होगी कि मेरा पूरा हाथ रेज हो जाएगा। बहुत सारे मेरा हाथ नहीं उड़ा सकते, पर इससे सिर्फ एक बात पता चल गई है, मुझे तुम्हारे साथ और गेम्स नहीं खेलने चाहिए सन गोकू। तो गाइस आर्चिल बस इतना ही। अगर तुमने यहां तक देख लिया है तो नीचे कमेंट कर दो #SonGoku। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे दूसरे चैनल ट्वाइस प्लेस को सब्सक्राइब कर देना और मुझे 1K रीच करने में हेल्प कर देना। मैं मिलता तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।